Hello students, today a new poem, The Ball Poem, written by John Berryman, an American poet and a scholar. What is the boy now who has lost his ball? ये poem एक बच्चे की है जो अपनी ball खो देता है. What is he to do? I saw it go. अब वो बच्चा जो अपनी ball खो चुका है वो क्या करेगा, वो कैसे रहेगा इस बॉल के बिना. अब ये बॉल डिपिक्ट करती है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग के जीवन में ऐसी होती हैं जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. उनके खो जाने के बाद हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उसे दोबारा पाने की, लेकिन वो चीजें हमें दोबारा नहीं मिलती. वंस समथिंग इज लॉस्ट, इट्स लॉस्ट फॉर एवर. एक बार जो चीज खो जाती है वो हमेशा के लिए खो जाती है. Merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. Now the poet has written merrily bouncing for the ball. Merrily bouncing poet ने लिखा है ball के लिए. Ball एक inanimate object है, वो merrily खुशी से bounce कैसे कर सकती थी. यहाँ पर उसने ball को एक नया रूप दिया है. Ball खुशी से bounce होते हुए सड़क पे जाती है और फिर खुशी खुशी पानी में चली जाती है. बॉल सड़क पे बाउंस होते हुए जा सकती है, सड़क पे जा सकती है, पानी में जा सकती है, लेकिन खुश नहीं हो सकती. तो यहाँ पे पोएट ने उसको बताया है, हम लोग को बताया है कि बॉल भी खुशी खुशी चली जाती है और ये बॉल के मूवमेंट से रिलेटेड है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, इट्स नो यूज टेलिंग द बॉय देयर आर अदर बॉल्स ऑल्सो फॉर हिम. लड़के से बताने की कोई जरूरत नहीं है, पोएट ऐसा समझता है कि उस बच्चे को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि और भी बहुत सारी बॉल्स दुनिया में हैं जिनको वो ले सकता है. कभी कभी हम लोग किसी चीज को बहुत प्यार करते हैं, किसी चीज से हमारा बहुत लगाव होता है और जैसे छोटे बच्चों को जो चीज चाहिए होती है वही चाहिए होती है, उसकी बदले आप उनको पूरी दुनिया की खुशियां भी दें तो वो नहीं चाहते हैं. उनको वही खिलौना चाहिए होता है जो जिससे उनको लगाव होता है. ऐसा ही हम लोग के साथ भी होता है. हमारी लाइफ में हमें जो मौका मिलता है, जो चीज मिलती है, हमें वही चीज चाहिए होती है, उसके बदले हम कुछ और लेना नहीं चाहते हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अब लड़का बिल्कुल एक अचानक परेशान हो गया है, उसे झटका लगा है जोर का, वो शॉक्ड है और ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अब वो दुख ने उसको जकड़ लिया है. किस बात का दुख है? क्योंकि उसकी बॉल उससे खो गई है. As he stand rigid, trembling, staring down. अब वो बिल्कुल rigid खड़ा हो गया, बिना हिले डुले खड़ा हुआ है, कांप रहा है, बॉल को लगातार देखे जा रहा है जो उसकी नहीं रही. All his young days into the harbor where his ball went. अब उसके सामने वो सारे दिन याद आ जाते हैं उसको. वो खड़े खड़े सोच रहा है, उसको सारे दिन याद आ रहे हैं जब वो बॉल के साथ खेलता था. ऐसे ही हमारा कोई अपना हमसे छूट जाता है जिसको हम बहुत चाहते हैं तो हम कुछ देर के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और हम वो सारा चीजें याद करते हैं, वो सारी बातें याद करते हैं, वो सारी यादें हमारे जहन में होती हैं जो उस व्यक्ति से रिलेटेड होती हैं, संबंधित होती हैं और हम उन्हें याद करते हैं और हमारा दुख बढ़ता जाता है. ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर इज बॉल वेंट. हार्बर बंदरगाह जहां पर उसकी बॉल चली गई है लुढ़क के. I would never intrude on him. I यहाँ पे poet है. Intrude मतलब होता है कोई घुसपैठिया, बिना परमिशन अंदर चले जाना. अब वो उसके में दखल देना नहीं चाहता. Poet बच्चे की सोच को तोड़ना नहीं चाहता, उसमें दखल नहीं देना चाहता. उस जो चाहता है बच्चा उस बॉल के लिए सोचता रहे. और जब हम लोग परेशान होते हैं तो कोई हमारी जीवन में दखल अंदाजी करता है तो हमें पसंद नहीं आता है और हमें दखलअंदाजी करनी भी नहीं चाहिए. जो व्यक्ति ने जो कुछ भी खोया है, जिस व्यक्ति ने जो कुछ भी खोया है उसको उसका एहसास होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. डाइम एक करेंसी है 10 सेंट के बराबर यूएस की. और अगर पोएट उसको वो दे भी देता है, पोएट को लगता है अगर मैं उसको एक डाइम दे देता हूँ जो कि बॉल की कीमत है तो वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं. जिस प्रकार से हमारी बहुमूल्य वस्तु, अमूल्य वस्तु खो जाती है, उसके बदले में हमें कुछ भी दिया जाए तो वो हमारे लिए किसी कीमत का नहीं होता.
क्योंकि जो पल चला गया वो बहुमूल्य होता है, वो चाहकर भी मनुष्य वापस नहीं ला सकता। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको पहली बार अपनी जिम्मेदारी का, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। पहली जिम्मेदारी, जब पहली बार कुछ होता है तो हमें बहुत दुख होता है। जीवन में हम सब कुछ नहीं पा सकते, जो हमारे पास है वो हमारे पास से जाएगा, हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता। जो किसी और के पास है वो भी उसे किसी और से मिला होगा, और हमें भी किसी और से मिलेगा, और जो चला जाएगा उसे हम दोबारा नहीं पा सकते। हमें संतोष करना होगा, अपने को समझाना होगा कि जो चला गया वो मेरा नहीं था। और ये पहली बार जब होता है तब बहुत दुख होता है, धीरे धीरे मनुष्य इसका आदि हो जाता है। अब पोएट चाहता है कि बच्चे को भी इस बात का एहसास हो, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि उसकी गलती से वो चीज उसके हाथ से छूट के चली गई। कुछ भी छूटता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, और जितनी जल्दी हम ये बात समझ लेंगे उतनी जल्दी हम चीजों को संभालने लगेंगे। चीजों का मतलब ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, चीजें जो है वो हमारी इमोशन से जुड़ी होती हैं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं, वो इम्पोर्टेंट पल, वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति, हमें नहीं उनको नाराज करना चाहिए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पोजेशन मतलब बिलोंगिंग, ओनरशिप, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ओवर, लोग, पीपल मतलब लोग, दुनिया के लोग आपसे बॉल्स लेते रहेंगे, आपकी प्रिय चीजें आपसे लेते रहेंगे, जो कि जैसे कि मैंने पहले बताया हर चीज हमारे पास हमेशा नहीं रह सकती, हम ही हमेशा दुनिया में नहीं रहेंगे, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर चीज हमारे पास हमेशा नहीं रहेगी। हम ये चीजें लेके पैदा नहीं हुए थे, हम ये चीजें लेके मरेंगे नहीं, ये हमारे पास आती रहेंगी जाती रहेंगी। ये वर्ल्ड में, इस दुनिया में लोग हमसे हमारी महत्वपूर्ण चीजें छीनते रहेंगे और हमेशा जाती रहेंगी चीजें हमारे पास। लिटिल बॉय एंड नो वन बायस अ बॉल बैक, और ये पल हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, हम इनको किसी भी तरह से, एक बॉल, एक पल, एक क्षण, महत्वपूर्ण समय जीवन का, एक बार चला जाता है तो हम इसको दोबारा नहीं खरीद सकते। हम दूसरी बॉल खरीद सकते हैं लेकिन वो बॉल नहीं खरीद सकते। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो एक बाहरी चीज है, पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, पैसा आपके लिए बिस्तर खरीद सकता, नींद नहीं खरीद सकता, पैसा आपके लिए किताबें खरीद सकता, विद्या नहीं खरीद सकता, पैसा आपके लिए सुख के साधन खरीद सकता लेकिन खुशियां नहीं खरीद सकता। ही इज लर्निंग, वो बच्चा अब सीख रहा है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, पहली बार की चोट बहुत दर्द देती है, फिर धीरे धीरे चोट लगती रहती है और इंसान दर्द सहना सीख जाता है। वेल बिहाइंड हिज डिस्ट्रेस्ड आईज, उसकी आंखें जो आज बहुत परेशान है, जो ढूंढ रही हैं उस गेंद को जो उससे दूर जा चुकी है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड, एपिस्टेमोलॉजी मतलब फिलॉसफी, नॉलेज की। अब उसके आज एक एहसास हुआ है, वो जीवन में खोने का एक एहसास हुआ है, वो सीख गया है हर चीज हमारे पास नहीं होती, हम जब पाते हैं तो कुछ खोते भी हैं। आज उसने पहली बार कुछ खोया है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और उसको खड़ा होना पड़ेगा, गिर के संभलना ही जीवन है। हमेशा आप गिरते ही रहेंगे और गिरने के बाद संभलना पड़ेगा। जो गिर के उठता नहीं वो इंसान नहीं। गिरना हमारे जीवन में, सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं गिरे होंगे और संभल के खड़े होंगे, सीधे आगे बढ़े होंगे, दौड़ने लगे और अपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, हर इंसान को जैसे कि मैंने बताया जीवन में गिरना पड़ता है, धूप छाव जीवन का एक अभिन्न अंग है, गिरना पड़ता है, गिर के संभलना पड़ता है, और भले इसमें बहुत दिन लग जाए, कुछ जल्दी संभल जाते हैं, कुछ को देर लगती है, कुछ धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं, किन्हीं कईयों को अभ्यस्त होने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जीवन का एक यही मूल मंत्र है, गिरना और संभलना। चीजें आती रहेंगी, चीजें जाती रहेंगी, आपको अपने को उसी के अनुसार ढाल लेना होगा। हमेशा हर चीज आपके पास नहीं रह सकती। ये छोटा, जब भी बच्चा छोटा होता है पहली बार उससे कुछ टूट जाता है, खो जाता है, तो बहुत नाराज होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत व्याकुल होता है। धीरे धीरे
वो इस बात को जान जाता है कि हर चीज उसकी नहीं, हर चीज पे उसका हक नहीं, हर चीज उसके लिए ही नहीं बनी है। जो उसके पास है वो धीरे से चला जाएगा किसी और के पास, किसी और का गया हुआ उसके पास आ जाएगा। ये बॉल पोयम एक बहुत ही अच्छी कविता है जो पोएट ने हम लोग को यही समझाने के लिए लिखी है कि जीवन में आना जाना लगा रहता है, धूप छांव सुख दुख ये सब जीवन के अभिन्न अंग हैं, इनके साथ ही जीवन चलता है, दौड़ता है, भागता है और इसी के साथ हम भी चलते रहते हैं। ये तो था इसका हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल डू द राइम स्कीम। देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम एंड द लिटररी डिवाइसेस। फर्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा इज अ यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन टू लाइंस। अब यू सी व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज ही। अब व्हाट जो है ये बार बार रिपीट हुआ है, ये एनाफोरा होता है। रेपिटिशन, जब कोई वर्ड या लाइन रिपीट होती है। व्हाट इज रिपीटेड, व्हाट ऐसा वर्ड है जो बार बार रिपीट किया गया। इमेजरी, मेरिली बाउंसिंग, बॉल को इमेजिन किया है कि वो खुशी से बाउंस कर रही होगी और खुशी वर्ड है जो इमेजिन कर रहा है हम लोग, पोएट ने इमेजिन किया, हकीकत में बॉल खुशी से बाउंस नहीं कर रही होगी। एलिट्रेशन, नो वन बाय अ बॉल बैक, बाय बॉल बैक, ये एलिट्रेशन है पोएम में। और फिर आता है एसेंडिटन। एसेंडिटन होता है जब विदाउट कंजंक्शन कोई सेंटेंस बना होता है। अब इसमें एक सेंटेंस अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, इसमें कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लिटरेरी डिवाइस तो एक मार्क की होगी, वो आएगी। आप पोएट का नाम विद स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग गलत होती है तो आधा मार्क आपका कट जाता है, वो जरूर करिएगा, क्योंकि RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट में पोएट का नाम जरूर आता है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है, पोएट क्यों कहता है कि वो इंट्रोड्यूट नहीं करेगा। इंट्रोड्यूट मीन्स वो दखल अंदाजी नहीं करेगा बच्चे के दुख में। वो चाहता है बच्चे को एहसास हो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, बच्चा समझे कि खोना क्या होता है और वो गिर के फिर संभल के खड़ा हो, क्योंकि यही जीवन है। अगर वो उसी पर रोता रहेगा, नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अगर आप जो खो गया उसी पर रोते रहेंगे तो आप आगे कुछ पा ही नहीं पाएंगे। जो गुजर गया वो आपका नहीं था, आने वाले कल पे आपका अधिकार है और वर्तमान आपका है। तो बच्चे को उससे निकलना पड़ेगा और अपना वर्तमान आप ठीक करके ही अपना भविष्य ठीक कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ पोसेशन क्यों कहा गया? वर्ल्ड ऑफ पोसेशन क्या आ गया? दुनिया में हर चीज मटेरियलिस्टिक होती है। आज तो हर चीज मटेरियलिस्टिक है, इवन इमोशंस, भावनाएं, सब कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक हो गई है। हम हर चीज पाना चाहते हैं, हम हर चीज पे हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर बहुत बढ़ गए हैं। हम उन्हीं सब चीजों के लिए भागते रहते हैं, सुबह से शाम मेहनत करते रहते हैं और वो चीजें खो जाती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। ऐसी ही एक चीज थी बच्चे के पास, जो उसकी बॉल थी, जिसके खो जाने पर उसको बहुत दुख हुआ और वो उसके दुख में खड़ा हुआ, लगातार उस बॉल को देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है, स्टेयर कर रहा है। वो उस बॉल को हर कीमत पर वापस पाना चाहता है। वो ये भूल गया कि उस बॉल, वो बॉल जो चली गई उसको वापस नहीं मिलेगी। पोएट भी को भी मालूम है, अगर उस बच्चे को कुछ पैसे देता भी है, कुछ करेंसी देता भी है, डाइम जो करेंसी है, तो भी उसके लिए कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि उसको पैसे नहीं, वही बॉल चाहिए। जो खो जाता जो व्यक्ति या जो पल निकल जाते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको आप किसी पैसे से उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसको वापस पाना चाहते हैं आप, वो जो चला गया उसका आना बहुत मुश्किल होता है। That's all for this video. Until the next video, you need to revise the chap poem. Go through it, find out the difficult words, try to get the meanings and go through the poem very well. Don't forget to subscribe this channel. Thank you.